हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कशफुर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्वेंट साइंटिफिक कंपनी के बारे में। काफी डिटेल रिसर्च करने वाले हैं कि इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी को मल्टीबैगर बनने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है। ये हर कोई सोचता है कि उनको मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए तो उसके अंदर क्या क्या खूबी होना चाहिए जिससे वो कंपनी मल्टीबैगर बन सकता है। तो मेरे ख्याल से तीन पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई किए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिससे मुझे लगता है कि अगर ये तीन पॉइंट कंपनी के अंदर तो डेफिनेटली वो मल्टीबैगर बन सकता है, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट मेरे लिए है कॉम्पिटेटिव एज। कॉम्पिटेटिव एज मतलब कंपनी के पास कॉस्ट का एडवांटेज हो या इकोनॉमिक स्केल का एडवांटेज हो या कंपनी के पास मार्केट शेयर अच्छा हो या मोनोपोली बिजनेस हो या यूनिक बिजनेस में हो, नीच सेगमेंट में डील करता हो, ऐसा कुछ देखने को मिलना चाहिए। तो इस कंपनी के अंदर क्या है वो हम बात करेंगे। दूसरा, विजनरी मैनेजमेंट, मतलब इस कंपनी के जो मैनेजमेंट है काफी विजनरी होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, इन टर्म्स ऑफ डिसीजन। जो भी इस कंपनी में लिया जा रहा है वो राइट डिसीजन और टुवर्ड्स कंपनी के बेटरमेंट के लिए होना चाहिए। तीसरा, हाउ कंपनी यूजिंग देयर फंड टू ग्रो द कंपनी, मतलब कंपनी के पास जो भी रिजर्व्स है, कैश है, वो कंपनी किस तरह से उसका यूज कर रहा है कंपनी को ग्रो करने के लिए। बहुत सारी कंपनी जैसे कि आईटीसी सिर्फ कैश रिजर्व है लेकिन वो कंपनी सिर्फ डिविडेंड ये सब पे करती है रादर देन ग्रोइंग द कंपनी, राइट। सो ये कंपनी में क्या वो कैपेक्स का प्लान करते हैं आने वाले 2-3 साल में जिससे कंपनी ग्रो कर सकती है कि नहीं, कि क्या उनका मिशन है, ये चीज क्लियर होना चाहिए तब जाकर कंपनी मल्टीबैगर बनता है। अगर ये तीन चीज आपको कंपनी में मिल जाए तो समझ जाना वो कंपनी मल्टीबैगर बन जाएगा। अब ये कंपनी के अंदर ये तीनों पैरामीटर सेट हो रहा है जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो सीक्वेंट साइंटिफिक के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी की एक तरह से कहूं तो शुरुआत कहां से हुई एक तरह से, राइट। इस कंपनी को मैंने बहुत पहले कवर किया था इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इंडिया लार्जेस्ट अमॉन्ग द टॉप 20 ग्लोबल एनिमल हेल्थ कंपनी बैक बाय ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म द कार्ले ग्रुप एज अ प्रमोटर। ये कंपनी कहो तो एनिमल हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, लेकिन एनिमल हेल्थ के रिलेटेड इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स हो गया, आपका फूड हो गया, या जो पेट्स और कैट्स के लिए हो गया, पिग्स के लिए हो गया, इनके लिए कंपनी बनाती है और ग्लोबल कहो तो टॉप 20 में ये कंपनी आती है और इंडिया में तो मेरे ख्याल से नंबर 1 पे, राइट। साथ साथ में इसके अंदर काफी बड़े प्रमोटर हैं जिनका इन्वेस्टमेंट कहो तो कार्लर ग्रुप का, जो कि आपने रिसेंटली पीएनबी हाउसिंग में सुना रहे, जिसकी वजह से स्टॉक सीधा 300% का रिटर्न दे रहा था लास्ट आई थिंक 1.5 हफ्ते में ही, दो 15 दिन के अंदर में, तो उनका इस अंदर काफी अच्छा खासा स्टेक है, राइट। तो ये चीज आपको नोटिस करना है कि जब इसके अंदर एक बड़ा प्रमोटर होल्डर है तो डेफिनेटली कंपनी के अंदर कुछ तो खास बात है, राइट। दूसरा, यहाँ पे देख सकते हो कि 2/3 ऑफ रेवेन्यू रेगुलेटेड मार्केट। सो कंपनी का ऑलमोस्ट कहूं तो 60% के आसपास, 65% के आसपास जो रेवेन्यू है रेगुलेटेड मार्केट से आता है, मतलब यूएसए, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यहां से आता है, राइट। कंपनी हैज 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। सो कंपनी के पास 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है अक्रॉस यूरोप, टर्की, ब्राजील, इंडिया विद अ वीजैक साइट, बीइंग इंडियाज ओनली यूएस एफडीए अप्रूव्ड डायरेक्टेड डेडिकेटेड वेटरनरी एपीआई फैसिलिटी, मतलब जो वीएमएफ होता है एक तरह से, जो आप फाइलिंग करते हो ड्रग मास्टर, उसके अंदर में इनके पास एक तरह से यूएस एफडीए अप्रूवल है जो इसी कंपनी के पास है उस एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो कि एनिमल हेल्थ के लिए यूज किया जाता है, राइट। अब इस कंपनी का एक चीज देखो कि आपने सुना रहेगा सिक्वेंट 1.0, इन केस अगर आपने नहीं सुना है, दूसरा भी सिक्वेंट 2.0, मतलब इस कंपनी का एक तरह से कहूं तो नया बर्थ हो रहा है जिसकी वजह से कंपनी मल्टीबैगर बन सकता है। तो 2015 की बात करें तो एक कंपनी क्या करता था, एलआरएम डिपेंडेंट करके यहाँ पे दिख रहा है कि बिजनेस था, लार्जली एपीआई ड्रिवन बिजनेस था, जेनरिक मेडिसिन मल्टीपल सेगमेंट से मैन्युफैक्चरिंग करते, जो एपीआई कहूं तो पेट्स के लिए हो गया या फिर कैटल्स या उनकी बात कर रहा हूँ वहां यूज किया जाता है। उसके बाद इनके पास लिमिटेड पोर्टफोलियो था, ज्यादा नंबर ऑफ ड्रग्स और ये सब अवेलेबल नहीं थे, एंटी पैरासाइट्स ये सब मैन्युफैक्चरिंग करते 2015 तक। इनके पास दो ही फॉर्मुलेशन था यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया और टर्की में, जो कि जीएमपी और जीएमपी जो एक तरह से क्यों तो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं उस ड्रग को अप्रूव करने के लिए। उनके पास दो ही सीजीएमपी था, ये भी नोटिस करना, अराउंड 80% उस टाइम पे कंपनी को जो रेवेन्यू था वो सिर्फ इमर्जिंग मार्केट से आ रहा था, मतलब इमर्जिंग मार्केट मतलब उस टाइम पे जैसे कि इंडिया हो गया, यूरोप हो गया या चाइना या दूसरी ऐसी कंट्री जहां से, जो कि इमर्जिंग था, डेवलप्ड नेशन नहीं था, राइट। तो लिमिटेड कैपेबिलिटीज था, ये 1.0 सीक्वेंट है। अब यहाँ 2020 में इनका कितना चेंज, मतलब लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी के अंदर कितना चेंजेस आया आप यहाँ देख सकते हो। पिवट टू प्योर प्ले एएच कंपनी, सभी के टाइम पे कंपनी एनिमल हेल्थ केयर में पूरा का पूरा फोकस करता है। 20 टॉप एएच कंपनी ग्लोबली, सो इनके पास कहूँ तो टॉप 20 में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया,
मल्टीपल एक्विजिशन इस कंपनी ने किया है, मल्टीपल ज्योग्राफी में ऑपरेशन में फिलहाल प्रेजेंट करते हैं। उस टाइम पे कंपनी सिर्फ इमर्जिंग मार्केट में थे, अब एक टाइम पे यूएसए में है, टर्की में है, ब्राजील में है, आपका यूरोप में है, इंडिया में है, और भी जगह पे, राइट। कंपनी अभी के टाइम पे फॉर्मुलेशन ड्रिवन है, उस टाइम पे कंपनी क्या था, एपीआई ड्रिवन था, अब लेकिन कंपनी फॉर्मुलेशन, एफडीएफ, जो आप ड्रग कंज्यूम करते हो, ये पेट्स की बात कर रहे हैं, राइट। फूड एनिमल पूरा का पूरा फोकस है अभी के टाइम पे इनका, जो अगर एक तरह से हम बात करें, 10x इंक्रीज इन यूएस एंड ईयू एपीआई फाइलिंग्स। अभी के टाइम पे अगर कंपनी की बात करें, जो फाइलिंग्स होता है, फाइलिंग्स मतलब क्या होता है कि जब ड्रग आप कोई मॉलिक्यूल्स बनाते हो तो उसके लिए आपको अप्रूव करने के लिए, जैसे कि ड्रग अप्रूवल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, डीजीसी है, उसी तरह यूएस एफडीए और दूसरी जो बड़ी बड़ी अथॉरिटी रहते हैं, वो आपका ड्रग चेक करते कि प्रॉपर है कि नहीं, क्या ये सुटेबल है कि नहीं। तो वो ऑलमोस्ट को तो 10 गुना इनका इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से एक तरह से कंपनी में ग्रोथ दिख रहा है। इनके बाद फॉर्मुलेशन की बात करें तो पहले सिर्फ टर्की और इंडिया में था, अब देखो जर्मनी, टर्की, ब्राजील, इंडिया और एपीआई में यूएस एफडीए, विजाक या महाड, ये आपका इधर पे हो गया, और दूसरा तारापुर, ये सर्टिफिकेशन है, ये नथिंग इज सर्टिफिकेशन जो अप्रूव्ड है फॉर ड्रग। इस हिसाब से 67% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू अब की कहाँ से आता है, रेगुलेटेड मार्केट से आता है, राइट। पहले कहाँ से आता था, इमर्जिंग मार्केट से, राइट। रेगुलेटेड मार्केट मतलब काफी स्ट्रिक्ट होता है, आपका अगर ड्रग्स फेलियर होता है तो बैन भी कर सकते हैं, तो इनका ऑलमोस्ट काफी बेहतर है। साथ साथ में कंपनी का 5 ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, ये चीज आपको नोटिस करना है कि कंपनी के पास टोटल 5 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। टोटल कंपनी की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यू प्रोडक्ट्स, यूएस एफडीए एनालिटिकल सर्विस एंड लेबोरेटरी। तो कंपनी के अंदर में लास्ट 5 ईयर्स में कहूँ तो बहुत ज्यादा चेंजेस आया है, तो इसके लिए इसको 2.0 नाम दिया गया है, कि यहां से साफ साफ कंपनी का पूरा ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिला है। अब वही चीज आपको एक तरह से कहो तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिला कि लास्ट 5 साल में क्यों चेंजेस हुआ। एक टाइम पे कंपनी आप देख सकते हो कितने रुपए का था, सिर्फ 42 रुपीज का था, हाई कितना बना है, 336 रुपीज का, 145% का स्टॉक ने रिटर्न दिया है। और कब जाकर कहूं तो, हम यहाँ पे टेक्निकली लोग लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट यहाँ पे ये सब करेंगे, बट हम यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे फंडामेंटल रीजन है कि स्टॉक क्यों ऊपर जा रहा है, तो इसके वजह से स्टॉक मल्टीवेगर बनने का हाई चांसेस है। स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पे देख सकते हो, रिस्क काफी है, मतलब ये स्टॉक मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए एक्वायर शायद कर सकते हैं। अब हम आगे रीजन और चेक करेंगे, राइट, ये कंपनी क्यों मल्टीवेगर बन रहा है, यहाँ पे आपको रीजन मिल गया। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के बारे में, कि फिलहाल कंपनी का 2 बिजनेस है, एक एफडीएफ का है, दूसरा एपीआई का, और तीसरा और एक आ चुका है, सीएमओ और सीडीएम, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो पहला बिजनेस इस कंपनी का यहाँ पे देख सकते हो, उनका हाइलाइट्स के बारे में बात करें, क्योंकि बिजनेस के बारे में ऑलरेडी हमको मालूम है। सो कंपनी का Q4 रिजल्ट जो अभी टाइम आया था, काफी इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ न्यू लॉन्चेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का न्यू लॉन्चेस का मतलब नए ड्रग्स कंपनी लॉन्च किया, तो उसके वजह से इंक्रीज हुआ। रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं, एक ड्रग का नाम है तुला थ्रोमाइसिन, फर्स्ट इन हाउस डेवलप्ड इंजेक्टेबल फॉर ग्लोबल मार्केट। ये तुला थ्रोमाइसिन जो ड्रग है, बेसिकली कहो तो रेस्पिरेटरी डिजीज में यूज किया जाता है, कैटल्स हो गया, पिग्स हो गया, ये मैंने पढ़ा है गूगल से, उसके हिसाब से तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते, और ये इनका इन हाउस है, ये चीज चेक कर सकते हैं, इन हाउस है, तो काफी बेहतर है। दूसरा इन्होंने एक और ड्रग्स मतलब कमर्शियलाइज किया, सिट्रामोक्स एल ए, फर्स्ट लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल और इन हाउस डेवलप ओरल सोल्यूशन। ये ड्रग्स बेसिकली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, जो मैनिया हेमोटिलिटिक्स के वजह से उस कहूं तो पेट्स के अंदर में पाया जाता है, सो उसको रोकने के लिए इन्फेक्शन को ये ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग किया है। तो ये चीज नोटिस करना है कि कंपनी ग्रो कर रही है, नए लॉन्चेस की वजह से कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है। तीसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, टर्की ग्रोथ मोमेंटम ओनिंग द मार्केट शेयर गेन इन एंटी बैक्टीरियल एंड इंट्रा मेमोरी प्रोडक्ट्स। इंट्रा मेमोरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, क्योंकि ये सब मेडिकल टर्म्स है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मुझे ऐसा है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली ये ड्रग्स का जो यूज है एंटी बैक्टीरियल और इंट्रामेम्ब्रेन प्रोडक्ट्स, बेसिकली ये ब्रेस्ट फीडिंग या कहो तो मतलब जो पेट्स होते हैं, जब उनको अगर दूध ये सब नहीं होता तो उनको एक तरह से खिलाया जाता है, राइट। ये प्रोडक्ट्स में भी ये कंपनी डील करती है, तो ये लॉन्च किया है। चौथा हाईलाइट्स की बात करें, ब्राजील रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लेड बाय न्यू लॉन्चेस एंड फ्रेश टेंडर, तो यहाँ पे इनको ब्राजील में टेंडर्स भी मिला है। पांचवा यहाँ पे देख सकते हैं, एफडीएफ फॉर्मुलेशन के बिजनेस में इंडिया रेवेन्यू डबल, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अराउंड द कैटल्स, कमर्शियलाइजेशन ऑफ जोइटिस डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट। ये जो जोइटिस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जोइटिस एक अमेरिकन कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन कंपनी है, जो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग करती है पेट्स के लिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस कंपनी को काफी ज्यादा मदद कर रहा है, जिसकी वजह से इनका डबल
रेवेन्यू जंप देखने को मिला है, राइट। ये सब डिटेल में रिसर्च कर इसके लिए बता पा रहा हूँ। सबमिटेड फर्स्ट फाइलिंग यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। तो ये सारा का सारा ड्रग्स और जो भी चीज अभी के टाइम पे इन्होंने फाइल करके रखा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी वाज टोटल 1000 प्लस, जो यहाँ पे देख रहे हो कि 1000 प्लस एफडीएफ है, फिनिश डोसेस फॉर्मुलेशन है, 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका फॉर्मुलेशन में। सेल्स रेगुलेटेड कहूँ तो 64% ये बिजनेस ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है। कंट्रीज विद प्रेजेंस 80 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है। यहाँ आप देख सकते हो कि कंपनी का 34% ईयर ऑन ईयर, अगर क्वार्टरली ले लेता हूँ, इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे अगर हम ईयर ऑन सिर्फ देखें विद रिस्पेक्ट टू लास्ट मार्च और ये मार्च का, तो आप देख सकते हो कि 19.8% से जंप देखने को मिला है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ है, लेकिन ईयरली बेसिस पे ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन। स्टिल कंपनी इज एबल टू रिपोर्ट अ वेरी गुड नंबर, ये मिलियन रुपीज में, प्लीज नोट, राइट। सो इनका एफडीएफ का बिजनेस काफी बेहतर है, काफी ज्यादा लॉन्चेस है, और यहां से साफ साफ नजर आ रहा है कि इस बिजनेस में कोई और कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि ये कंपनी एनिमल हेल्थ में डील करता है। इनके पास पहला कॉम्पिटेटिव एज मिल गया, राइट। दूसरा हमारा था कि क्या कंपनी के मैनेजमेंट, तो कंपनी के मैनेजमेंट यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं कि ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सो डेफिनेटली कंपनी ग्रो कर रही है। दूसरा बिजनेस जो इनका है एपीआई का है, राइट। एपीआई आपने बहुत सुना रहेगा, बहुत बार वीडियो भी बनाया, तो यहाँ पे FY21 ग्रोथ 13.9% ईयर ऑन ईयर ड्रिवन बाय रिसेंट कमर्शियलाइजेशन। सो अभी के टाइम पे रिसेंटली जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि डायरेक्टली एफडीएफ के अंदर यूज किया जाता है एज अ इंटरमीडिएट, राइट। उसके अंदर 3 नए एपीएस हो गए, सबमिटेड 4 वीएमएफ। वीएमएफ आपका वेटरनरी मास्टर फाइल होता है, जिस तरह से ड्रग मास्टर फाइल होता है, जो कि ड्रग अप्रूवल से पहले आपको ये सबमिट करना पड़ता है रिसर्च रिपोर्ट एक तरह से। तो टोटल इनका कहूं तो 23 यूएस वीएमएफ फाइलिंग है, 11 सीईईपी अप्रूवल इन यूरोप। सो यहाँ पे इस तरह से, मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी, एक तरह से इन्होंने इतना सारा फाइल करके रखा है। अभी के टाइम पे एपीआई की बात करें तो कैपेसिटी एक्सपांशन कंप्लीटेड एट विजाक एंड महाड टू मेंटेन बिजनेस ग्रोथ मोमेंटम। तो इनका जो विजाक और महाड में उनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान था वो ग्रो कर चुका है, राइट। ये चीज भी आपको देखना है। सो कंपनी के मैनेजमेंट काफी विजनरी यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहे हैं। साथ साथ में लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट विद अ मेजर एनिमल हेल्थ कंपनी फॉर सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट सप्लाईज को इन्वेस्टमेंट एंड विजाक एंड कमर्शियलाइजेशन 23। सो ये सीडीएमओ का जो बिजनेस इनका जो अभी के टाइम पे काफी क्लियर नहीं है कि मैंने इस कंपनी का कॉन कॉल पढ़ा है, वो मैं आपको पूरा डिस्कस करने वाला इसके अंदर में। सो यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है, लेकिन बाई 2023 ये कमर्शियलाइज हो जाएगा जो ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, राइट। मतलब सीडीएमओ मतलब वो भी एनिमल हेल्थ के लिए रिलेटेड। सप्लाई चेन डी रिस्किंग मतलब इनका जो सप्लाई चेन की अगर बात करें, वहां पर रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन थ्रू इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केएसएम। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग केएसएम का मतलब क्या है, की स्टार्टिंग मटेरियल। अब बहुत सारे हम अभी भी डिपेंडेंट है चाइना पे, लेकिन कंपनी एनिमल हेल्थ का एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसके लिए कंपनी केएसएम जो की स्टार्टिंग मटेरियल होता है एपीआई के लिए, ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइट। ये चीज आपको नोटिस करना है। सो जिसके वजह से कंपनी के पास कॉस्ट एडवांटेज भी आता है और इकोनॉमिक स्केल भी अच्छा खासा प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। और ये मार्केट इंडिया में कहते हैं एक तरह से लीडर है, राइट। साथ साथ में यहाँ पे कंपनी का देखो मतलब एपीआई का बिजनेस इनका इतना खास नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिला है, वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें। सो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये क्वार्टर फोर FY20 और क्वार्टर फोर FY21 की बात कर रहा हूँ, प्लीज हाँ वो ध्यान देना। साथ साथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 9.9%, सो मतलब अभी के टाइम पे ये बिजनेस एपीआई के इतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है। यहाँ पे एपीआई की बात करें कमर्शियलाइज, अभी के टाइम पे टोटल इन्होंने 20-30 के आसपास इनका कमर्शियलाइज है, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 67% बिजनेस वहीं से आता है इनका भी। एसेट टर्नओवर रेशियो 2.4 है। देखो किसी कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, इनका एसेट टर्नओवर रेशियो 1 के ऊपर होगा तो भी बेहतर है। मतलब अपने एसेट का यूटिलाइज कंपनी कितना कर रही है जनरेट करने के लिए, तो 2.4 टाइम्स से कंपनी कर रही है, मतलब कंपनी अच्छा खासा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहा है, अपने एसेट का अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहा है, राइट। सो यहाँ से साफ साफ नजर आता है कि कंपनी के मैनेजमेंट भी काफी बेहतर है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के इनिशिएटिव के बारे में कि टोटल ओवरऑल इनिशिएटिव चेक करें फॉर्मुलेशन और एपीआई में तो कैसा है। तो 35 प्रोडक्ट्स इनका अंडर डेवलपमेंट में, फॉर्मुलेशन में,
चार रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इंजेक्टेबल्स। अगर हम टोटल प्रोडक्ट्स की बात करें 35 में, तो 38% के आसपास जो है वो इंजेक्टेबल्स है, मतलब इंजेक्शन के तौर पर लिक्विड फॉर्म में 38% के आसपास वो है। इन्होंने टोटल आने वाले 3 साल में यूएस और यूरोप, इनका प्लान है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में कंपनी इज गोइंग टू फाइल अनदर 15 FTF, कम से कम 15 FTF ये फाइल करने वाले 3 साल में। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी के मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, तभी तो ये ड्रग्स फाइल हो रहा है, राइट। सो दूसरा पॉइंट भी क्लियर होता है मल्टीपिकर बनने का। उसके बाद इनका दूसरा यहाँ पे देखें, एपीआई जो अभी के टाइम पे सब्ड्यूड है, मॉलिक्यूल्स इन पाइपलाइन, 8 मॉलिक्यूल्स पाइपलाइन में, 1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, 23 अभी के टाइम पे इन्होंने यूएस में फाइल करके रखा है, लेट्स सी कितने अप्रूव होते हैं। सीईपी अप्रूवल्स की बात करें टोटल 11 है, राइट। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि कंपनी काफी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और काफी ज्यादा फ्यूचर को लेकर के, मतलब फ्यूचर की तरफ फोकस कर रहा है, राइट। तो ये सब चीज आपको नोटिस करना है किसी कंपनी को मल्टीबैगर बनने के लिए, राइट। अब हम तीसरा पॉइंट क्या है कि क्या वो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी कंपनी ग्रो करने के लिए, डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो प्लान अहेड इस कंपनी का क्या है, सो आने वाले वक्त में कंपनी अपना ज्योग्राफिकल एक्सपांशन और ज्यादा करने वाली है। अभी के टाइम पे यूएसए और आप देख सकते हो ये ज्योग्राफिकल एक्सपांशन और न्यू सेगमेंट कहाँ कहाँ ऐड करने वाले हैं। सो यहाँ पे यूएई में मार्केट और इंक्रीज करने वाले, यूरोपियन यूनियन, टर्की में नया सेगमेंट और बढ़ाने वाले हैं, मतलब प्रोडक्ट जो डाइवर्सिफिकेशन और इंक्रीज करेंगे, इंडिया में हो गया, ब्राजील में हो गया, या साउथ ईस्ट अमेरिका हो गया, उसकी बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मार्केटिंग के लिए ग्लोबल एलिवेरा ब्रांड्स करके यूज करते हैं। इनका फॉर्मुलेशन में जो अगर हम बात करें स्थल है मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आ जाता है। एपीआई में टेक्निकल मार्केटिंग टीम और सीएमओ सीडीएमओ पे फोकस कर रहे हैं, राइट। सो इनका जो कैपेबिलिटीज है उसके हिसाब से मीट करने के लिए, अब इनको किस तरह से अचीव करने वाले आप यहाँ पे देख सकते हो। कैपेक्स का प्लान ये लगभग आने वाले 2 साल में कम से कम 2 बिलियन रुपीज के आसपास इन्वेस्टमेंट कर ले करने वाले, मतलब 200 लगभग आई थिंक करो तो 200 करोड़ के आसपास खर्चा करने वाली कंपनी आने वाले 2 साल के अंदर में। क्यों करने वाली, तो यहाँ पे देख सकते हो ब्राजील का हमने देखा, एनहेंस कैपेसिटी पाउडर और प्रीमिक्सेस, यहाँ पे जो न्यू सेगमेंट था वहां पे फोकस करने वाले हैं जो इनका 2 साल में। तीसरा यहाँ पे जर्मनी की बात करें, एनहेंस कैपेसिटी, स्टरलाइट इंजेक्टेबल्स एंड यूएस एफडीए अप्रूवल, न्यू कैपेबिलिटीज हो गया उसमें खर्चा करने वाले। तुर्की की एनहेंस कैपेसिटी बीटा लैक्टम एंड सॉलिड ओरल लाइंस, तो ये उसके लिए फोकस करने वाले, ये इस कंपनी के पूरा का पूरा है। इनहेंस कैपेसिटी लिक्विड फाइलिंग लाइंस, या इंडिया की बात करें साथ साथ में ग्रैनुलेशन की बात करें या फिर कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स की बात करें। एपीआई में यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटी इंक्रीज करना है, सप्लाई चेन सिक्योरिटी इंक्रीज करना है, यहाँ पे न्यू सीडीएमओ प्लांट एक तरह से सेटअप करना है, मतलब अभी तो इनके पास एग्जिस्टिंग है उसी के अंदर ये सीडीएमओ करने वाले, कोई नया कैपेक्स नहीं करने वाले, ऐसा इनके कॉन कॉल में दिया है। और कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल अप, तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि कंपनी कम से कम 200 करोड़ अगर खर्चा करेगा आने वाले 2 साल में, तो डेफिनेटली कंपनी लॉन्ग टर्म का प्लान कर रही है, इसके लिए कंपनी लॉन्ग टर्म में बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो जाता है क्यों ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, राइट। 5x क्यों जा सकता है आने वाले 10 साल में। अब बात करते हैं इनका इनिशिएटिव के बारे में कि 2.0 बिल्डिंग अ ग्लोबल लीडर, यहाँ पे आप देख सकते हो 2.0 इन अ ग्लोबल लीडर इन एनिमल हेल्थ केयर, राइट। ये चीज नोटिस करो। सो हाई क्वालिटी जेनरिक सप्लायर पहले थे, अभी के टाइम पे पोर्टफोलियो की बात करें हाई क्वालिटी, और दूसरा स्पेशलिटी जेनरिक्स, पहले ये जेनरिक मेडिसिन में एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग करते थे, अब स्पेशलिटी जेनरिक्स की बात कर रहे हैं, राइट। उसके बाद कॉम्प्लेक्स, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्चा कर रहे हैं, कमर्शियल फुटप्रिंट काफी ज्यादा इंक्रीज करे जो हमने आपको ऑलरेडी बताया, सिलेक्टिव प्रेजेंस है कहाँ कहाँ पे, डिफ्रेंशिएटेड जेनरिक्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखें इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट विद ओन पोर्टफोलियो एंड पाइपलाइन, जो भी इनके पास है डिसीजन ले रहे, ये खुद के पोर्टफोलियो और प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, इंटरनल एपीआई सप्लाई फॉर एफडीएफ बिजनेस, मतलब एफडीएफ जो फिनिश डोसेस फॉर्मुलेशन है उसके लिए खुद का इंटरनल जो एपीआई है वही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिससे इनके पास अच्छा खासा एडवांटेज है। वैल्यू ग्रोथ की बात करें, बिग फोर एएच पेनिट्रेशन एनिमल हेल्थ केयर में भी इनके पास, मतलब कहें तो बिग फोर की अगर बात करें। पाइपलाइन में इनका एपीआई सीडीएमओ है, तो ये सारा का सारा एक चीज एक तरह से 2.0 की तरफ लेकर के आ रहा है एपीआई सेगमेंट के अंदर में। उसके बाद एफडीएफ अगर कोर ग्रोथ की बात करें, जो इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, डीपर पेनिट्रेशन करंट की स्ट्रेटजी एनिमल हेल्थ मार्केट, तो ये यूरोप इंडिया टर्की ब्राजील में काफी ज्यादा फोकस करने वाले और अपना जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने वाले। एक्सपांशन अभी के टाइम पे यूएसए यूएई या साउथ ईस्ट एशिया में इंक्रीज करने वाले, ये सारा का सारा चीज एफडीएफ के अंदर में
होने वाला है। तो डेफिनेटली यहाँ से लगता है कि कंपनी काफी तेजी से ग्रो कर सकता है। बहुत सारे चीज यहाँ पे टर्मिनोलॉजी एकदम कहूँ तो डिटेल में फार्मा वर्ड में, तो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन राइट, बट इतना पता है कि कंपनी का बिजनेस ग्रो करने वाला है और कंपनी ग्रो करने वाली है क्योंकि इतना सारा हमने रीड किया है। उसके बाद हम बात करते हैं, मेरा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आ रहा है जहां पे मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ क्योंकि मेरा स्टॉक एनालिसिस का कोर्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। सो अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाने वाला, आप देख सकते हो मैं कैंडल्स भी सिखाऊंगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे करते हैं, डेली वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरह से ट्रेड करते हैं, मैकडी आरएसआई बॉलिंजर लैगिंग इंडिकेटर किस तरह से यूज करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मूविंग एवरेज सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड गोल्डन क्रॉसओवर फिबोनाची रिट्रेसमेंट हेड एंड शोल्डर डबल बॉटम, ये सारा का सारा हाई कैन आशी पुल बैक स्ट्रेटेजी प्राइस एक्शन सीक्रेट, ये सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। ये कोर्स कम से कम 12 से 15 घंटे का रहने वाला है, टोटल 5 से 6 संडे जाएगा। जैसे कि आप जानते हो मैं नहीं चाहता कि आपका 2 दिन मैं सब कुछ खत्म कर दूं और भूल जाऊं राइट, आप भी नहीं सीख पाओगे और मैं भी नहीं चाहता कि आपका पैसा आपको फील हो कि मैंने आपका पैसा ले लिया। इसका फीस मैंने काफी कम रखा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव कि मैं खुद टेक्निकल एनालिसिस आज से 8 महीने पहले करने जा रहा था, तो जहां पे कम से कम जो फीस मिनिमम देख रहा था मैं 20,000 से लेकर के 60,000 के आसपास जा रहा था, जो मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था। मैंने सब कुछ खुद से सीखा और साथ साथ में प्रैक्टिस किया और साथ साथ में उसको ट्रेड किया, एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद जब मुझे वो स्ट्रैटेजी काम किया वही चीज मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया पूरा का पूरा। टोटल हर संडे टोटल 5 to 6 संडे लेक्चर होना है, 15 अगस्त से बैच स्टार्ट होने वाला है। 2-3 घंटे का लेक्चर रहेगा मेरे ख्याल से, 1 या 2.5 घंटे का लेक्चर रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट बैच के लिए जो फीस है 2,200 के आसपास है, फीस इसके लिए कम रखता हूँ सो दैट हर कोई सीख सके, बाकी और कोई मोटो नहीं है मेरा राइट, हर कोई सीख सके अफोर्ड कर सके। बहुत सारे जो लोग है यूट्यूबर्स वो सिर्फ कहते हैं कि वी वॉन्ट मोर पीपल टू ज्वाइन स्टॉक मार्केट, बट दे आर ऑफरिंग कोर्स 20,000 30,000 का, तो कैसे आप बहुत सारे लोगों को अफोर्ड कर पाओगे, नॉट पॉसिबल। और मैं ये खुद आपको पर्सनली पढ़ाता हूँ, तो जूम के थ्रू गूगल मीट के थ्रू लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का आप नीचे डायरेक्टली लिंक ज्वाइन करके ग्रुप ऐड कर सकते हो। अगर आपको एडमिशन लेना हो तो ही उस लिंक पे क्लिक कीजिए, और या तो मेरे को ऊपर दिए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। ये फर्स्ट बैच के लिए ऑफर है, उसके बाद नहीं रहेगा। सेकेंड बैच इसका बहुत लंबा स्टार्टर है क्योंकि मैं स्टॉक एनालिसिस का कोर्स भी लेता हूँ, आपको मालूम है मेरा स्टॉक एनालिसिस का कोर्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल है जिसके अंदर फंडामेंटल और बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कंसिडर है, लेकिन ये पूरा का पूरा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस है जो स्टार्ट हो रहा, तो डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए और आपको काफी ज्यादा फायदा देगा। 2,200 रुपये का कोर्स है, महंगा नहीं है, इसलिए आप अफोर्ड कर सकते हो और सीख सकते हो सारा का सारा चीज। मैं प्रैक्टिकल और लाइव कराऊंगा, इसके लिए आपको लैपटॉप कंपलसरी क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मोबाइल में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में चेक करते हैं। फाइनेंशियल्स के बारे में अगर देखें सो कंपनी का जैसे कि मैंने आपको कहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20% ग्रोथ हुआ है, साथ साथ में क्वार्टर फोर में, वहीं ईयरली अगर देखें तो 15.5% से। इस कंपनी का प्रॉफिट मुझे मार्जिन काफी अच्छा लगा, 22.4% के आसपास ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला है। साथ साथ में कंपनी का यहाँ पे देख सकते 36% ईयरली बेसिस पे देखें, मतलब FY21 विद रिस्पेक्ट टू FY20 देखें तो 36.5% का जंप हुआ है। कंपनी का इबिट्टा मार्जिन काफी इंप्रूव हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो 35% से इबिट्टा मार्जिन, मतलब कंपनी का रॉ मटेरियल कॉस्ट क्योंकि KSM खुद डेवलप करते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, खुद का कैपेसिटी, खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, इतना सारा चीज है तो डेफिनेटली कंपनी ग्रो करेगा ही राइट। उसके बाद कंपनी का आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजनेस कहाँ कहाँ से आता है, तो यहाँ पे ब्रेकअप है सबसे ज्यादा फॉर्मुलेशन से इस कंपनी को बिजनेस आता है जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया राइट। सो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि फॉर्मुलेशन का कितना ग्रोथ है या API का कितना ग्रोथ है, लैटिन अमेरिका से ज्यादा आता है, टर्की से इस कंपनी को ज्यादा बिजनेस है, लैटिन अमेरिका से फिलहाल अभी ज्यादा बिजनेस आता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरा फॉर्मुलेशन से ये, लेकिन सबसे ज्यादा जो बिजनेस है अगेन यहाँ पे आपका लैटिन अमेरिका से है, और उसके बाद जो आपका इनका जो बिजनेस है यहाँ पे जो कि 14.9% के आसपास अगर हम देखें या 98.4% के आसपास इस टाइम पे सिर्फ ग्रोथ तेजी से देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइट। ये सब चीज आपको नोटिस करना है राइट। आगे बढ़ते हैं, अब इस कंपनी का और फाइनेंशियल चेक कर रहे थे। इस कंपनी का रेवेन्यू अगर हम लास्ट 3 ईयर्स की बात करें, 4 ईयर्स का, तो आप देख सकते हैं कि 2018 में इस कंपनी का रेवेन्यू 1292 करोड़ के आसपास था, फिर इंक्रीज डिक्लाइन हुआ यहाँ पे 1047 करोड़ के आसपास, फिर इंक्रीज हुआ 2020 में
आप देख सकते हो 2021 में फिर से इंप्रूव हुआ है यहाँ पे 1369 करोड़। सो कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स में यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, राइट। साथ साथ में कंपनी का इबिट्टा आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव है, राइट। कम से कम अच्छा खासा इस कंपनी का इबिट्टा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंसी यहाँ पे 48 करोड़, 69 करोड़ और 95 करोड़ के आसपास, ये चीज आपको नोटिस करना है। उसके बाद कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर होल्डर फंड 2021 में 7,277 मिलियन रुपीज के आसपास था, जो कि 2000 है, और 2020 में कितना था, 6,871 मिलियन रुपीज। मतलब काफी ज्यादा शेयर होल्डर फंड का इंक्रीज देखने को मिला है। इनका जो डेट है वो भी डिक्लाइन हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2,282 मिलियन रुपीज के आसपास था, अब वहीं पे जो डेट है 1,628 मिलियन रुपीज के आसपास, डेट भी कंपनी का डिक्लाइन होते जा रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश फ्लो जनरेशन इज 1.5 बिलियन। सो यहाँ पे 1.5 बिलियन फ्रॉम ऑपरेशन ड्राइव, मतलब कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी ने अराउंड 646 मिलियन रुपीज के आसपास अपना डेट डिक्लाइन किया है। ये सब चीज आपको नोटिस करना पड़ता है किसी भी कंपनी में ग्रोथ करने के लिए। तो कंपनी का बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। सो यहाँ पे इस कंपनी का एबिटा मार्जिन आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, मतलब काफी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन काफी बेहतर है, जिसके वजह से कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होता है। साथ साथ में कंपनी का नेट डेट टू इबिट्टा आप देख सकते हो, एक टाइम पे डेट काफी हाई था और इबिट्टा कम था, जिसकी वजह से इसका नेट टू डेट टू इबिट्टा कितना था, 2.81, अब 0.75 के आसपास आ चुका है। मतलब कंपनी काफी अच्छा खासा इबिट्टा जनरेट कर रहा है एज कंपेयर टू कंपनी का जो टोटल डेट की अगर हम बात करें। वहीं पे इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंक्रीज हो रहा है। आरसी जो कंपनी क्योंकि काफी ज्यादा डेट के ऊपर भी है और वो अच्छा खासा यूटिलाइज कर रहा है, और रिटर्न आप देख सकते हो एक टाइम पे 7.8% के आसपास था, वहीं अभी 20.2% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहुंच चुका है। मतलब कंपनी के मैनेजमेंट काफी इफिशियंटली डिसीजन ले पा रहे हैं, राइट। साथ साथ में कंपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आप इन टर्म्स ऑफ क्रोर्स में चेक करोगे, 2018 में 45 करोड़ था, 2019 में 116 करोड़, फिर 115 करोड़, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अच्छा खासा है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो आप देख सकते हैं 90 करोड़, 70 करोड़, मतलब एटलीस्ट कंपनी का फ्री कैश फ्लो डिसेंट है, क्योंकि स्मॉल कैप है, थोड़ा तो रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन कंपनी का कैपेक्स का बहुत ज्यादा प्लान है, तो मुझे लगता है कि कंपनी थोड़ा सबड्यूड रह सकता है आने वाले 2 साल के लिए, जो कि इनके मैनेजमेंट डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, सॉरी डबल डबल आ गया था, व्हाट मैनेजमेंट्स आर टॉकिंग, अभी के टाइम पे मैनेजमेंट क्या बात करे जिसके वजह से कंपनी मल्टीबैगर और बन सकता है। वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन काफी डिटेल में रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि मैं फंडामेंटल रिसर्चर पहले हूँ, उसके बाद टेक्निकल, क्योंकि मुझे वेल्थ क्रिएशन में काफी ज्यादा हेल्प करता हूँ लोगों को इसके लिए, क्योंकि मैं पीएमएस सपोर्ट सर्विस में डील करता हूँ, जहां पे मैं पोर्टफोलियो कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब एग्जिट करना है, कब तक होल्ड करना है, क्यों बाय करना है, सब रीजंस प्रोवाइड करता हूँ। सो मैनेजमेंट डिस्कशन हाइलाइट्स की बात करें, सो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने क्या कहा है कि जो वी आर कमर्शलाइज 3 न्यू API, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया, ये सब टोटल राइट। उसके बाद अगर हम देखें, वी ऑल्सो हैड अ फर्स्ट फॉर्मुलेशन फाइलिंग इन की मार्केट ऑफ USA, कैनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अभी के टाइम पे रिसेंटली इन्होंने जो इनका फर्स्ट फॉर्मुलेशन था वो इस मार्केट में इन्होंने लॉन्च किया, एक तरह से फाइल किया है। वन ऑफ द की प्रोडक्ट लॉन्च दिस ईयर वॉज, ये जो नया प्रोडक्ट एक लॉन्च किया जो मैंने आपको बताया था, थुलाथ्रोमाइसिन, और फर्स्ट फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट फ्रॉम इंडियन रिसर्च इनहाउस था ये, राइट। जिसके वजह से ये, और साथ साथ में इनके पास स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है 35 प्रोडक्ट्स का, 8 मॉलिक्यूल्स API के अंदर में है। सो ये कंपनी कहती है, इनके जो मैनेजमेंट कहते हैं, वी ऑल्सो साइंड अ मल्टी ईयर मल्टी प्रोडक्ट एग्रीमेंट विद अ लार्ज एनिमल हेल्थ कंपनी। मतलब इनका एक इनको टेंडर मिला है, ऑर्डर मिला है बड़ा, जिसके वजह से कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकता है, और ये सारे के सारे प्रोडक्ट इनके अंडर डेवलपमेंट पे, मार्किंग आवर फॉर इनटू CDMO बिजनेस, और ये साथ साथ में CDMO के बिजनेस में भी जा रहे हैं, जिनका प्लानिंग है कि बाय 2023 तक ये एक तरह से कहूं तो कमर्शलाइज हो जाएगा। ये सारे का सारा मैंने कॉन कॉल से लिया है। उसके बाद आवर डी बॉटल नेकिंग प्रोजेक्ट एट महाड इज कंप्लीटेड, मतलब जो डी बॉटल नेकिंग प्रोसेस स्ट्रैटेजी होता है, जो भी इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए, वही कैपेसिटी को किस तरह से नया ब्राउनफील्ड ना जाए, सो वो इंप्रूव कर चुके हैं, मतलब कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी वजह से कंपनी का कैपेसिटी एक्सपांशन और फॉर्मुलेशन एट आवर जर्मन फैसिलिटी हैड टू बी डिफर्ड टू FY 2022 ड्यू टू कोविड रिलेटेड एग्जीक्यूशन चैलेंजेस। तो जर्मन में अभी के टाइम पे जो इनका ये प्रोसेस था कैपेसिटी इंक्रीज करने का, वो ड्यू टू इंक्रीज टाइम थोड़ा सा डिले हो चुका है, क्योंकि कोविड 19 की वजह से। सो
उसके बाद कैश फ्लो जनरेशन 70% के ऊपर जा चुका है इनका, जो कि काफी पॉजिटिव है, जिससे कंपनी का अर्निंग इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा और कंपनी अच्छा रिटर्न आपको देगी। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, कंपनी का बिजनेस पे फोकस कर रहा हूँ, ना कि कंपनी के स्टॉक प्राइस पे। राइट, वी हैव बीन एबल टू रिड्यूस आवर डेट सिग्निफिकेंटली, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, साथ साथ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कैपेक्स का प्लान है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और यहाँ पे क्या कहते हैं, वी एक्सपेक्ट टू बी डेट फ्री कंपनी विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। सो कंपनी आने वाले 2 साल के अंदर में, 2 साल में कंपनी डेट फ्री भी हो जाएगी, बहुत सारा कैपेक्स भी खर्चा करने वाली है क्योंकि कंपनी कैश फ्लो अच्छा जनरेट कर रही है, काफी बड़ा टेंडर भी इनको मिला हुआ है। राइट, उसके बाद वी कंटिन्यू प्लेस हायर प्रायोरिटी ऑन प्रोडक्टिविटी और कैपिटल यूटिलाइज, आर प्लीज टू सी आवर ROCE। सो ये कह रहे हैं कि आपने हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा रहेगा, क्योंकि हम अच्छा खासा अपना कैपिटल का यूटिलाइज कर पाए, जिसकी वजह से हमारा जो 2018 में 7.8% था, वही 2020 में 20% के आसपास ROCE पहुंचेगा, मतलब कंपनी यहाँ पे जस्टिफाई कर पा रहा है। राइट, उसके बाद 2.0 की बात करें, सीक्वेंस जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो इन्होंने कुछ बोल्डर स्टेप्स लिए, जिसके अंदर में ये नए मार्केट में इंटर करने वाले, US हो गया, सेलेक्टेड स्पेस हो गया UAE में, साउथ ईस्ट अमेरिका एशिया मार्केट में हो गया, जिसमें इंजेक्टेबल्स प्रोडक्ट्स या कोर डोमेन फोकस करने वाले, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करने वाले हैं, नया बिजनेस सेटअप करने वाले इंडिया में, टर्की में, ब्राजील में, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट या लेवरेजिंग और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन API बिजनेस एज वेल। सो API बिजनेस को भी ये ग्रो करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें, और क्या बात करें इनके, स्केलिंग अप आवर मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ द रीजन $30 मिलियन ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो इनका जो फुटप्रिंट इंक्रीज करने के लिए ये ऑलमोस्ट कहो तो इतना इन्वेस्ट कर, जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है। राइट, ऑल ज्योग्राफी ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग एंड अप स्केलिंग आवर ग्लोबल मैनेजमेंट टीम। सो इनके पास जो अभी टाइम पे बोर्ड मेंबर्स है, इन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर किया है टीम्स को, क्योंकि ये स्पेशलिटी जेनरिक मेडिसिन में डील करने वाले, और इनका जो एक्सपीरियंस रहा है इनका जेनरिक मेडिसिन में रहा है। राइट, सो इसके लिए इन्होंने बहुत सारे नए टीम्स को हायर किया, जिससे ये लगता है कि मैनेजमेंट काफी और इफिशियंट डिसीजन ले पाएगा। साथ साथ में कंपनी ने ईसॉप का भी प्लानिंग किया है, जो अराउंड 60 करोड़ के आसपास का बैठने वाला, जो 15% ऑफ इबिट्टा है कंपनी का। राइट, साथ साथ में कीपिंग लॉन्ग टर्म व्यू इन अ माइंड, लिमिटेड इंपैक्ट ऑन बिजनेस ओवर नेक्स्ट 2 ईयर। सो उनसे पूछा गया कि आप 2 साल में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले, कैपेक्स है, सो आपका जो मार्जिन है वो डिक्लाइन हो जाएगा शायद इबिट्टा का। तो उन्होंने कहा है कि वी कैन नॉट से द एग्जैक्ट नंबर, बट हमारा इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन आने वाले 2 साल के बाद हमारी कंपनी काफी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी, जो इनिशिएटिव हम आज ले रहे हैं। राइट, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द नेक्स्ट जर्नी फॉर द ब्रांडेड जेनरिक जो एनिमल हेल्थ प्लेयर टू स्पेशलिटी ब्रांडेड जेनरिक हेल्थ प्लेयर। सो ये ब्रांडेड जेनरिक से आपका कहो तो स्पेशलिटी ब्रांडेड जेनरिक के अंदर में एंटर कर रहे हैं, जिसके वजह से वी विल नीड टू ब्रिंग पीपल हु हैव दोस काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज, कनेक्ट नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स को इंक्लूड किया है, जिनको स्पेशलिटी ब्रांडेड जेनरिक इंडस्ट्री के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, अच्छा खासा कनेक्ट है, अच्छा खासा पहले से इंडस्ट्री का, तो उसकी वजह से कंपनी को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। साथ साथ में इनके पास मल्टी ईयर प्रोडक्ट डील भी हुआ है CDMO का, ये सब का। राइट, तो ये मैंने ऑलरेडी आई थिंक पूरा डिस्कस किया, जो कि 23 में इनका होगा। सो ये ओवरऑल रीजन की वजह से मुझे ऐसा लगता है ये कंपनी 10 साल के लिए या 5 साल के लिए भी काफी बेहतर है और मल्टीफोल्ड रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। साथ साथ में आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं स्टॉक शॉर्ट टर्म का आइडियाज प्रोवाइड करता हूं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। कशफुर धुनिया टाइप करना, कशफुर धुनिया करके आप टाइप करोगे ना, तो आपको ट्विटर पे मैं मिल जाऊंगा, जहां पे मैं स्टॉक शॉर्ट टर्म का वहीं प्रोवाइड करते रहता हूँ। राइट, सब कुछ सीखने को मिलेगा, फंडामेंटल पे ज्यादा बिलीव करता हूँ एज कम्पेयर टू टेक्निकल, क्योंकि आज अगर मार्केट गिरा है सो टेक्निकल वालों का पैसा लॉस हुआ रहेगा। राइट, बट फंडामेंटल का वी नो कि रेड कलर इज अपॉर्चुनिटी, वी शुड इन्वेस्ट। तो मैंने बहुत सारे धनाधन 10-15 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने क्लाइंट्स को दिया। आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर एनालिस्ट, बट आई प्रोवाइड सपोर्ट टू मेकिंग अ राइट डिसीजन। कोई भी क्वेरीज है आप मुझे ऊपर दे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट अगर इफ यू आस्क मी, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।